वेलकम बैक टू माई चैनल स्टूडेंट्स। पहली बात तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ कि आप 10th पास आउट हो गए हो। और अब क्या होता है, एज अ स्टूडेंट हम भागते हैं टेक्स्ट बुक खरीदने के लिए, ठीक है। तो सब तो हमारे माइंड में आता है कौन से टेक्स्ट बुक परचेस करें, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जब मैं स्टूडेंट थी, तो जब मैं 10th पास आउट हुई, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैं टेक्स्ट बुक परचेस करने के लिए गई। एडमिशन तो चल ही रहा था असाइनमेंट टेस्ट में, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक परचेस करने गई। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन क्या आ रहा था कि मैं कौन सा टेक्स्ट बुक परचेस करूँ। आई वाज सो कन्फ्यूज कि विच टेक्स्ट बुक आई हैव टू बी परचेज फॉर माई स्टडी पर्पज। तो अब मैं आप लोगों को एक आइडिया बताती हूँ, ठीक है। आपको 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के लिए, अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको कौन सा टेक्स्ट बुक परचेस करना है, ओनली एंड ओनली स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही परचेस करनी है, ठीक है। और वो आपको सारे बुक स्टोर पर अवेलेबल मिल जाती हैं। बहुत सारे बुक स्टोर्स तो ऐसे भी हैं जहाँ पर 30% 40% पे भी अवेलेबल मिल जाती हैं। तो आपको टेक्स्ट बुक के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की कौन कौन से टेक्स्ट बुक दिख रही है, ठीक है। तो और अमेज़ॉन पे या बाकी भी साइट्स, ऑनलाइन साइट पे भी मिल जाएगी, पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप किसी पुराने बुक स्टोर पर जाए और वहाँ पे 30% या 40% के रेट पे आपके टेक्स्ट बुक परचेस कर लें। और आपको स्टेट बोर्ड की ही टेक्स्ट बुक परचेस करनी है फॉर 11th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। और अगर आप 11th स्टैंडर्ड पास आउट हो चुके हो, तो आपको 12th स्टैंडर्ड के लिए भी स्टेट बुक की ही टेक्स्ट बुक परचेस करनी है। देखो क्या होता है, एज अ स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि वो क्या करते हैं, ये टेक्स्ट बुक भी परचेस कर लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, या यहाँ से भी कंटेंट उठा लेते हैं, यहाँ से भी। तो आपको ऐसे खिचड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब आप एक जगह टारगेट रहते हो, फोकस्ड रहते हो, तो आपकी स्टडी जो है वो अच्छी तरीके से एंड परफेक्ट होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, और ये चीज़ मैंने यहाँ पर भी देखी है, यूट्यूब पर भी क्या होता है, बच्चे बहुत सारे यूट्यूबर्स को या बहुत सारे एजुकेशनल चैनल को फॉलो करते हैं कि मैं ये टीचर से पढ़ूंगा, इससे पढ़ूंगा, उससे पढ़ूंगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि खिचड़ी बन जाती है। कैसे खिचड़ी बन जाती है कि सपोज़ आज मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया और आपको ये इतना टॉपिक पढ़ा दिया, करेक्ट है। आपको मैंने उस टॉपिक के लिए कुछ और बताया, मेरी जगह कोई और टीचर आई, उसने क्या किया, या टीचर आई या आपने किसी और यूट्यूब चैनल पर गए और वहाँ पर भी सेम टॉपिक देखा, उसने कुछ और बताया। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, अहिला इसने तो ये बताया था, अभी ये टीचर तो ये बता रहा है, मैं पढ़ूँ कौन सा? तो इसके लिए आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लोर कब करना होता है, जब आप डिग्री में जाते हो, जब आप 12th पास आउट कर लेते हो, तब आप क्या करते हो, आप बहुत सारे कंटेंट निकाल कर टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, क्योंकि आपका जो मेचोरिटी लेवल है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, करेक्ट है। इसीलिए आपको, आप अगर क्लासेस में भी जा रहे हैं, ट्यूशन में भी जा रहे हैं, स्कूल में भी जा रहे हैं, तो आपको एक टीचर को पकड़ना है और उसे टीचर्स पे फोकस्ड होके अच्छे से स्टडी करनी है। क्योंकि अगर आप फोकस्ड रहोगे एक पर्सन से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिक्स नहीं करेगी। और ये जो सिचुएशन है, वो मोस्टली किसके साथ होती है पता है, जो वर्नाकुलर मीडियम वाले हैं, यानी कि जो हिंदी या इंग्लिश, हिंदी मराठी मीडियम से पास आउट होकर जाते हैं, वो पूरा 11th तो धीरे धीरे समझने में लगा देते हैं। लेकिन इन केस एक टीचर ने ये मेथड पढ़ाया था और दूसरे टीचर ने एंटर किया, उसने कुछ और पढ़ा दिया, उस केस में क्या हो जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको एक ही टीचर को फॉलो करना है। यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो भी आपको एक टीचर को फॉलो करना है, आप क्लासेस जाते हो तो भी एक टीचर को फॉलो करना है, और पर तरीके से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। स्टूडेंट्स, आपको पूरा 100% देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छे मार्क्स को स्कोर करना चाहते हो, तो आप अगर 11th स्टैंडर्ड को 50% पढ़ते हो, 12th स्टैंडर्ड को भी 50% पढ़ते हो, फिर भी आप 80% स्कोर करते हो। 50% मतलब क्या, मतलब 100% कैसे हो सकता है कि आप सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर मोड ऑफ अटेंशन दें और प्रॉपर तरीके से स्टडी करें, ठीक है। तो आपको कौन कौन से टेक्स्ट बुक परचेस करनी है, सिंपल एज दैट। आपको एक ही टेक्स्ट बुक, कंक्लूजन इज कि आपको स्टेट बोर्ड की ही टेक्स्ट बुक परचेस करनी है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपको इंग्लिश के लिए कौन से टेक्स्ट बुक परचेस करनी है, मराठी के लिए, देन इंग्लिश के लिए कौन सी करनी है, बीके के लिए कौन सी करनी है,
इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी करनी है, OCSP कौन सा टेक्स्ट बुक परचेस करना है, ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर वन बाय वन शो हो रही है। तो आपको इन्हीं टेक्स्ट बुक को परचेस करना है और इन्हें टेक्स्ट बुक से स्टडी आपकी स्टार्ट कर देनी है। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी जल्दी ही आने वाला है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड प्लीज़ डू लॉट्स ऑफ लव टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।